अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन ब्रेड के लिए हम दो स्टेप में चिकन ब्रेड बनाएंगे। सबसे पहले हम उसका डो तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, ये है हाफ के जी मैदा। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। हाफ के जी का मतलब है, अगर आप इस कप से मेजर करेंगे तो तकरीबन ये वाले 3 कप फुल भर के, यानी कि ऊपर तक इसको भर के आप ले लें तो वो आपके जो है इतने नहीं और थोड़ा ज़्यादा भर लें। तो वरना ये कि हाफ के जी 500 ग्राम आप इसको तोल के ले लें तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर लिया है, किसी भी कंपनी का ले लें। और जो है एक अंडा लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, 1 टीस्पून चीनी है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम इसका डो गून लेते हैं। मैंने ये मैदे को जो है एक बड़े से बर्तन में डाल दिया। थोड़ा सा मैदा मैंने ड्राई इसको अलग इसलिए किया है ताकि हम जब आटे को अच्छी तरह से गूंदेंगे तो हम बाद में फिर इसको ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल दूँगी। चीनी, ईस्ट और ये ड्राई मिल्क डाल के हम इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें अंडा और ये ऑयल जो है ये पूरा डाल दूंगी और थोड़ा सा मैं ग्रीस करने के लिए रोक लूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बिल्कुल अगर गर्मी है तो फिर आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, ज़्यादा गर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सर्दी का मौसम है तो आप थोड़ा सा कुनकुना पानी लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं लेंगे। और इसको जो है थोड़ा थोड़ा सा डाल के और बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको गूंद लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस वक्त जो है बहुत सॉफ्ट है। इसको मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से सिर्फ चीज़ों को, तमाम चीज़ों को पानी के साथ सिर्फ मिक्स किया है। अब हम इसको काउंटर पर निकाल के और फिर इसकी रबिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें मैंने ड्राई फ्लावर जो मैंने बचाया था वो और ये डो डाल दिया है। अब इसको मैं बहुत अच्छी तरह से जो है वो इसको समझे एक तरह से इसकी स्ट्रेचिंग करनी है हमें, ताकि डो हमारा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो। तो ब्रेड की और पिज़्ज़ा की तमाम डो को हमें ज़रा सॉफ्ट बनाना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरह से राइस भी और सॉफ्ट भी बने। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से जो है वो रब कर लिया है। अब देखें कितना सॉफ्ट हो गया है। बस ये इतना ही होना चाहिए। अब मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल दूँगी। एयर टाइट कंटेनर में मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया और ऑयल लगाने के बाद मैंने डो को रख के, जो है हमारी ब्रेड का जो डो है वो राइस हो रहा है, तो उस वक्त तक हम उसकी अंदर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए जो चीज़ें मैं लूँगी वो है, यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम चिकन थी। उसको मैंने नमक और अदरक लहसुन डाल के बॉयल करके और इस तरह से श्रेड कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करूँगी। 1 बड़ी प्याज है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून भर के मैंने मैदा लिया है और 1 कप जितनी यखनी है, जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था वही यखनी मैंने निकाल ली है। इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप मस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, नमक है 1 टीस्पून, लेकिन देख के यूज़ कीजिएगा क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला हुआ है। इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर है 1/2 टीस्पून। अब इसका हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल गरम कर लिया है मैंने, पतीली में डाल दिया है। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज डालने के बाद हमें इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, अब मैं इसमें मैदा डाल दूंगी। मैदा डालने के बाद उस वक्त तक हमें भूनना है कि जब तक जो है वो मैदे की कच्ची खुशबू ख़त्म ना हो जाए, हल्की सी अच्छी खुशबू आने लगेगी भुनने की, तो उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। मैदे की अच्छी से खुशबू आने लगी है, अब इसमें मैं इसमें लाल मिर्ची, नमक और काली मिर्ची डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा भूनूंगी। मस्टर्ड पेस्ट जो है वो थोड़ा सा डालूंगी, 1/4 टीस्पून जितना। इसमें थोड़ी थोड़ी करके यखनी डालेंगे और जल्दी जल्दी से चम्मच हिलाएंगे ताकि यखनियाँ ना बने। यखनी डालने के बाद इसको जल्दी जल्दी से हिलाएंगे ताकि अच्छा सा स्मूथ हो जाए। अब इसके बाद हम इस स्टेज पर आके इस पे रेशा की भी चिकन और
हरा धनिया को डालेंगे और मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको इतना पकाएंगे कि अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ी सी और यखनी डाल देंगे ताकि एक डो की शक्ल अख्तियार कर जाए, यानी कि जो है आमेज़ा जो है वो बिल्कुल ड्राई होके एक बॉल की शक्ल में आ जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, ये देखें अब ये खुद ही बॉटम से जो है वो सेपरेट हो रहा है, ऑयल भी अलग हो रहा है। तो बस अब इसको हम प्लेट में निकाल के बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, फिर अपनी ब्रेड की जो है वो बेकिंग के लिए उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमारी जो है वो ब्रेड चिकन ब्रेड की जो है वो डो बिल्कुल राइस हो चुकी है, वो मैंने निकाल ली है और इसकी फिलिंग भी मैंने ठंडी करने रखी थी, वो भी रेडी है। अब इसकी हम असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा के इसको पंच डाउन कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 ब्रेड बना लें या 1 बना लें, 1/2 kg की 1 ब्रेड तैयार होगी, वरना अदरवाइज़ इसमें 2 चिकन ब्रेड भी तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको काउंटर पर निकाल दिया है, थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लगा दिया है। अब इसको हम बीच में से डो को हाफ कर लेंगे और सबसे पहले हम इसको छोटी छोटी 2 ब्रेड तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम इसको ओवल शेप में बेल लेंगे। मैंने इस तरह से इसको रेक्टेंगल शेप में थोड़ा सा बेल लिया है। अब सबसे पहले मैं इसमें सेंटर में जो है वो हाफ फिलिंग जो है वो पूरी इस तरह से मैंने सेंटर में इसको फिलिंग कर दी है। अब यहाँ से मैं साइड से जो है वो कट लगाना शुरू करूँगी, तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम पे। आप चाहें तो थोड़े से बड़े कट्स भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे इधर से भी। अब इसको मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब यहाँ से इसकी फोल्डिंग स्टार्ट होगी, अच्छी तरह से देख लीजिए इस तरह से। फिर उसके बाद एक इधर से और एक इधर से। इस तरह से दोनों तरफ से। अब ये वाले जो लास्ट वाले हैं इसको पहले यहाँ अंदर देते हुए, फिर ये वाले साइड से और फिर इस साइड से फोल्ड कर देना है। इस तरह से ये ब्रेड हमारी रेडी है। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए, एक मैंने यहाँ पर ट्रे को जो है वो ग्रीस कर लिया है जिसमें हम बेक करेंगे, इसमें मैं रख दूँगी और 15 मिनट के लिए जो है बहुत आराम से इसको इस तरह से उठाना है और इसमें रख देना है। और 15 मिनट्स के लिए मैं इसको इसी में छोड़ दूँगी, फिर 15 मिनट्स के बाद मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी। 15 मिनट से ये मैंने इसको रीप्रूफिंग पे रखा हुआ था, अब ये तकरीबन अच्छी खासी प्रूफ हो चुकी है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने एक अंडा लिया, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, उससे हम ब्रश करेंगे। अच्छी तरह से एग ब्रश कर लिया है और ये कलौंजी और तिल मैंने मिला के रखे हुए हैं थोड़े से, ये अच्छी तरह से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको ना डालें। अवन मैंने आधे घंटे पहले प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए बेक करूंगी, जब तक इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा, फिर इसको आपको निकाल के दिखाऊंगी। 20 मिनट्स मैंने इसको बेक कर लिया है, थोड़ा सा ऊपर से ऑयल ब्रश कर दिया है। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसका एक पीस कट कर लिया। आप ब्रेड को देखें कितनी सॉफ्ट बनी है और फिलिंग भी बहुत रिच फिलिंग हुई है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपने कमेंट्स दें करें और मेरा पेज प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।